आज हम स्ट्रोसिट इंजेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो 2 ml का यह इम्पुल है, 250 mg इसके अंदर मौजूद है। और इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सिटिकोलाइन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के तौर पे दिया है। तो स्ट्रोसिट इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसे स्ट्रोक वाले जो पेशेंट है उनके लिए, डिमेंशिया वाले पेशेंट और सिर में चोट लगने की स्थिति में भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल में लाते हैं, या फिर याददाश्त का कमजोर होना, पार्किंसंस रोगियों में मनोभ्रम की स्थिति के समय भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल में लाते हैं, या उम्र से संबंधित याददाश्त का कमजोर होना या याददाश्त की हानि, उस समय भी हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा स्ट्रोसिट इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसे पैरालिसिस वाले जो पेशेंट हैं उसके लिए भी किया जा सकता है। तो पैरालिसिस के बारे में आप जानते होंगे, तो पैरालिसिस या तो जैसे कई मरीजों में उनका आधा जो हिस्सा है चेहरे का वो यानी काम नहीं करता है, वो लटक जाता है, मुंह भी टेढ़ा हो जाता है और आंखें जिस हिस्से में पैरालिसिस का जो यानी असर होगा, जैसे आधे चेहरे पर है तो आधा उनका जो मुंह है वो लटक जाएगा, नाक टेढ़ी हो जाएगी यानी ढीली हो जाएगी, लटक जाएगी और आंखें में से पानी उनके निकलेगा और बोल नहीं पाएंगे, तो इसको हम पैरालिसिस कहते हैं। या टांगों के रास्ते यानी या फिर हाथों में भी पैरालिसिस हो सकता है। अगर 24 एक स्थिति ऐसी आती है पैरालिसिस में, अगर 24 या 48 घंटे में मरीज ठीक ना हुआ तो वो जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस में बना रहेगा। तो पैरालिसिस जैसे किसी व्यक्ति का अगर चेहरा लटक गया है और उसके हैंड यानी उसके जो हाथ हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो स्ट्रोसिट इंजेक्शन है जैसे 2 ml का इम्पुल है, तो हमें 1 ml लेकर और इस जगह पर हमको लगाना है, यानी कंधे के पास में, कंधे में बस हड्डी में टच नहीं होना चाहिए, तो इस इंजेक्शन को यहाँ लगा सकते हैं या फिर हम IM और IV दोनों तरीके से दे सकते हैं। पर हमें पैरालिसिस या और अन्य किसी मरीज में IM ही इसको लगाना है। तो IM हम 2 ml या 1 ml भी दे सकते हैं। अगर किसी का हैंड काम, हाथ जो कंधा है वो काम नहीं कर रहा है, ना वो हिला रहे हैं ना डुला पा रहे हैं, तो इस स्थिति में हम दोनों कंधों के पास में इस जगह पर हम स्ट्रोसिट 1 ml इंजेक्शन भरेंगे 2 अलग अलग सिरिंजों में। निडल सही होनी चाहिए, निडल की जो टिप है यानी आगे वाला हिस्सा है वो सही होना चाहिए, जिस जब यानी हम इस जगह पे इंजेक्शन लगाएं तो पेन ज़्यादा ना हो, और यानी कॉटन में हमें इस स्प्रिट को लगा लेना है, फिर इंजेक्शन लगाने के बाद उस जगह पर लगा देना है जिससे ब्लीडिंग ना आए। जैसे आपने आज इस इंजेक्शन को लगाया तो फिर 2 या 3 दिन बाद या 4th दिन बाद दोबारा आप इस इंजेक्शन को IM यानी हिप में इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, या फिर जिन रोगियों के चेहरा लटका हुआ है या फिर कंधे काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी का हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, उनके पेन होता है या फिर वो चल नहीं पाते हैं और आपने कई तमाम हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट कराया है और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है और उस इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि हिप रिप्लेसमेंट यानी कूला बदलवाने के लिए डॉक्टर ने बोला है जिसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है, तो आप एक बार स्ट्रोसिट इंजेक्शन को, जो हिप जॉइंट वाले जो प्रॉब्लम है जिन रोगियों में, आप स्ट्रोसिट इंजेक्शन IM लगवाएं 7-7 दिन के अंतर से 2 या 3 बार, और बाकी की जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप ले सकते हैं। तो ये स्ट्रोसिट इंजेक्शन बहुत फायदा करेगा, क्योंकि स्ट्रोसिट इंजेक्शन यानी सिटिकोलाइन यानी दिमाग के जो विकार है उसके इलाज इसके द्वारा हो सकता है, और अल्जाइमर वाले डिसीज वाले जो मरीज हैं जिनकी यानी स्मृति और मानसिक हानि हो चुकी है, याददाश्त से जुड़ी समस्या है, तो तब ये इंजेक्शन उसमें कारगर साबित हो सकता है। तो पैरालिसिस में भी ये इंजेक्शन काम करेगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।